नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे, खबर टोंक से है जहां पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्थर खान से 7 वाहनों पर छापेमारी करते हुए उनको जब्त कर लिया। यह कार्रवाई खनिज सहायक अभियंता और थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाई के बाद खान में हड़कंप मच गया। सहायक खनिज अभियंता संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सूचना आई थी कि गाड़ियों में ओवरलोड माल भर के जा रहा है, रॉयल्टी का एविजन का मामला है। इनको तुलवा रहे हम लोग, अभी ना तुलवाने के बाद में क्लियर हो पाएगा ये कितने रॉयल्टी का एविजन का मामला है। जांच करेंगे इसमें, कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है? ये टोटल 7 व्हीकल है अभी तो, है ना। बाकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पता पड़ जाएगा। कहां से किया जा रहा है, पता चला किसान बेरोई कहां से किया गया कार्रवाई? नहीं, उनकी माता जी के नाम से है और जैसे भी जांच होगी बता देंगे। खबर हनुमानगढ़ से है जहां रावत सर के बहुत चर्चित तहरीर हस्तराहर हत्याकांड में एडीजी न्यायालय ने 10 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है और 5 को दोषी मानते हुए आगामी तारीख को सजा सुनाने का फैसला किया। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 24 नवंबर 2018 को रावत सर के पूर्व पालिका अध्यक्ष नीलम सहारन के पति हरवीर सहारन की SDM कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर एडीजी ने फैसला सुनाया। दिनांक 24/9/18 को दोपहर 12 बजे के आसपास SDM कोर्ट परिसर में तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन नीलम सहारन के पति हरवीर सहारन की राजनीतिक रंजिश की वजह से गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने मुलजिम रामनिवास, मंजीत, महेंद्र, अमनदीप, रमेश, अशोक, रामचंद्र मीर, जोगेंद्र, मोहित आदि को बाद अनुसंधान धारा 302, 109, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट और 325 आर्म्स एक्ट के अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। मकराना थाने में तैनात SI यासीन खान की सोमवार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यासीन खान मकराना थाने में तैनात थे। हाल ही में ट्रांसफर मकराना थाना में हुआ था। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा के तहत जयशिव चौक पे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिस वजह से ड्यूटी पर तैनात थे और शाम तबियत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय मकराना पहुंचाया जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट कर करीब 1 घंटे तक डॉक्टर साहब वगैरह ने सब ने उनको जो इमरजेंसी में ट्रीट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाए डॉक्टर साहब। 1 घंटे के अथक प्रयास उन्होंने किया, सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं इंजेक्शन वगैरह सब लगाए, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि गांधी महावीर से। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद खेड़ली कटुमर क्षेत्र के लोगों में भारी जोश, खुशी और उत्साह नजर आ रहा है। पूरे क्षेत्र में मंदिरों में विशेष सजावट की जा रही है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ भी किए जा रहे हैं। लोगों की ओर से जगह जगह भंडारे आयोजित करके प्रसाद वितरण किया गया। वहीं बाकी दिनों से भी ज्यादा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने घरों में मंदिरों में दीपदान किया। उधर कानोता में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानोता क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। पूरे क्षेत्र के मंदिरों में विशेष सजावट के साथ हनुमान चालीसा और राम धुनी की गई और इसके साथ ही 1100 दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई और जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने जगह जगह भंडारे आयोजित करके प्रसाद वितरण किया। बाकी दिनों की तुलना में मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। लंबे इंतज़ार के बाद प्रभु राम आज अपनी कुटिया में विराजमान हुए हैं।
आज के इस दिवस पर पूरी दुनिया के सारे सनातनियों को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। देश भर में जिस तरीके से इस सदी के महान संत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था वो कर निभाया, बहुत कम समय में उसका शिला नींव पत्थर रखने के बाद, मंदिर का निर्माण करने के बाद, आज प्रभु मेरे ख्याल में वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय के अंदर मंदिर का निर्माण हो गया, आज उसमें मूर्ति की स्थापना हो गई। तो इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे संतों के द्वारा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान जो दिया हुआ है उसके आज 500 साल का इतिहास बढ़ाने के बाद हमने जो संघर्ष करा है उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे राम लला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसकी बहुत उत्साह बहुत लगन रही है सब भक्तों के अंदर, जो हर भक्त के अंदर राम लला विराजमान की जो उमंग है, जो भक्ति देखी गई है उसकी बहुत बहुत सबको हार्दिक बधाई। और राम लला विराजमान हो रहे सभी भक्तों को, सभी जनता को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खबर सीकर से है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर परिसर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी। सीएम शर्मा ने इस अवसर पर आयोजित दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित किया, साथ ही आयोजित आतिशबाजी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चांदी का निशान और रामलीला की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया और मंदिर में बने महाप्रसाद के भोग को मुख्यमंत्री ने भक्तों में वितरित किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही धौलपुर भी राम भक्ति में डूबा नजर आया। राम के प्रति श्रद्धा का भाव जताने के लिए राम भक्तों ने अपने घरों, बाजारों और मंदिरों को बिजली की झालरों से सजाया और दीपमाला प्रज्वलित की। वहीं युवाओं ने जय श्री राम के जयकारों के साथ बाइक रैली निकाली। मंदिरों और घरों के अलावा हर जगह सुबह से ही भजन कीर्तन के साथ ही आतिशबाजी शुरू की गई, जो देर रात तक जारी रही। शाम होते ही मचकुंड सरोवर फव्वारों की रोशनी के साथ जगमगा उठा। सरोवर के घाटों और मंदिरों पर लगभग 31,000 दीपक चलाए गए। उधर ब्यावर में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान खुशी और हर्षोल्लास का माहौल नजर आया। इस मौके पर क्षेत्र विधायक शंकर सिंह रावत और नगर परिषद के सभापति नरेश कानूजिया सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को देखकर हर कोई खुश नजर आया। हर गली मोहल्ले में दिवाली जैसा माहौल रहा। बच्चों ने आतिशबाजी की। नगर परिषद की ओर से भी सभापति नरेश कानूजिया ने चांग गेट पर व्यापारियों के सहयोग से आतिशबाजी की। तबलाना थाना क्षेत्र के रैन गांव में रात में दो युवकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई और दूसरा उसका साथी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर तबलाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल में भेज दिया है। वहीं दूसरे घायल शख्स का इलाज जारी है। जो कल रैन में प्रोग्राम था, किसी धार्मिक प्रोग्राम या कुछ था जिसमें भोजन के लिए जिम में गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। मैंने जानकारी ली कि क्या हुआ, क्यों अभी तक क्यों नहीं आए हमारे घर वालों। रात मैंने 10 बजे से जानकारी लेना शुरू कर दिया तो नहीं मिली। मैं आखिरी में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे पूछा तो उनको पता चला कुछ लोग अज्ञात लोग मार के यहाँ पान डाल के मेरे को घर पे मारा। घर पे मारने के बाद पान डाल पे चौराया पड़ता है वहाँ पे, वहाँ आगे छोड़ के चले गए। इन्होंने खुद स्वयं में हम पहुंचे, यहाँ बूंदी भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाते कर आदमी दम तोड़ दिया। आज सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि दो मजदूर लड़ाई झगड़े के मामले में बूंदी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से एक की डेथ हुई है, जिस पर हॉस्पिटल आया गया है और मजदूर के बच्चा ध्यान लिए गए हैं। इसमें एक की मृत्यु हो गई है जिसका नाम नरेंद्र पुत्र महादेव है, ये गुजरात खड़ा थाना देकर रहने वाला है। और जो मजरूप है उसका नाम जुगराज है, जुगराज पुत्र रामलाल है, हरलाल है, जो फैजलपुरा थाना डबलाना रहने वाला है। मजरूप ने बताया कि ये किसी से मिलने के लिए रह गए हैं, जहाँ पर उनके साथ मार्केट हुई है। पर्चा अभियान पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अभी पोस्टमार्टम करवा के अग्रिम कार्रवाई।
कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के पानी के लिए बरसों से सरकारी और प्रशासनिक मदद के लिए तरस रहे लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। जल संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू हुए हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में कस्बे के लोग शामिल हुए। संघर्ष समिति के संयोजक पार्षद राजकुमार नायक ने जानकारी दी कि पिलानी क्षेत्र में भूजल स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, जिस वजह से नए बनाए जा रहे बोरवेल भी फेल हो रही है और कस्बे की दोनों नगर पालिकाओं की आबादी का बड़ा हिस्सा जलापूर्ति की समस्या से त्रस्त है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। इस अभियान के माध्यम से सभी वार्डों में घर घर तक पहुंचकर हस्ताक्षरों का संकलन किया जाएगा और बाद में ज्ञापन के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। झालावाड़ जिले के अखलेरा कस्बे में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। बदमाशों ने गोविंद नगर इलाके में एक पत्रकार के घर के बाहर खड़ी हुई कार में लाठी डंडों और पत्थरों से तोड़फोड़ की है और फरार हो गए। पीड़ित पत्रकार ने इसकी शिकायत पुलिस से की और बता चले तुरकाड़िया के सरपंच प्रतिनिधि राम गोपाल मीणा और उसके पुत्र भगवान मीणा पर भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर पराठा जंक्शन को विश्व के सबसे बड़े पराठे का एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब प्राप्त हुआ है और पराठा जंक्शन को यह खिताब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर दिया गया। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑपरेशन हेड डॉक्टर पंकज खांडवानी ने बताया कि जयपुर पराठा जंक्शन के 32 इंच पराठे को एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में दुनिया के सबसे बड़े पराठे का खिताब दिया गया है। खांडवानी ने बताया कि यह पराठा लगभग 4.5 किलो वजन का है और 74 प्रकार के पराठे की वैरायटी यहां बनाई जाती है। जयपुर पराठा जंक्शन के संचालक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक परिवार के लगभग 7-8 सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा सके, इसी उद्देश्य के साथ पराठा जंक्शन खुला है। उधर जाट समाज को केंद्र में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के पहले दौरे की वार्ता हुई है। संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। आचार्य संघर्ष समिति और मंत्रियों के बीच पहले दौर से वार्ता हुई। नेम सिंह ने कहा कि मंत्री समूह ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा जी से वार्ता कराएंगे और हमें उम्मीद है डबल इंजन की सरकार जल्द ही हमारी मांगे पूरी करेगी। सब सरदारी को राम राम। आज सरदारी के आदेश से भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर सरदारी ने जो प्रतिनिधि मंडल जयपुर भेजा था, पहले दौर की वार्ता पूर्ण हो चुकी है। अच्छे वातावरण में वार्ता हुई है, अच्छे संकेत मिले हैं। दूसरे दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होनी थी लेकिन वो अभी तक सालासर में है, वहां से खाटू श्याम रुकना है। मैं सरदारी के ध्यान में बात डाल रहा हूं, कल 12 और 1 के बीच में विधानसभा उनके चैम्बर में वार्ता का समय तय हुआ है। जब तक दूसरे दौर की वार्ता हो तब तक मैं सरदारी से विनम्र अपील करता हूं, महापड़ाप पर यथास्थिति में बैठे रहें। जो वार्ता दूसरे दौर की होगी उसमें जो कुछ फाइनल होगा उसको आके हम सरदारी के बीच में निमंत्रण आपको बताएंगे, तब सरदारी तय करेगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के विराजने के बाद पूरे देश में राम नाम की गूंज है। गुलाबी नगरी जयपुर भी पूरी तरह से राम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। खातीपुर रोड स्थित संपत्ति कॉलोनी में जय महाकाल सेवा समिति की ओर से कलश यात्रा निकाली गई और 101 दीपक जलाकर सुंदरकांड पाठ भी किया गया, आरती भी की गई। इस दौरान भक्तों ने सिया राम के नारे लगाए और जमकर डांस किया। राज्यपाल कलराज मिश्र और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चांदपोल स्थित रामचंद्र जी मंदिर में वहां पर जाकर दर्शन पूजन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे और 10 दिशाओं में यश और कीर्ति की वृद्धि हो।
चित्तौड़गढ़ के जिलाधिकारी आलोक रंजन ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से अस्पताल प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान डीएम को कई खामियां दिखी, जिस पर डीएम ने अधिकारियों की क्लास लगाई और दिशा निर्देश दिए। चिकित्सालय में यहाँ काफ़ी संख्या में ओपीडी आती है, कभी कभी 1500 से 2000 भी संख्या ऐसी बताते हैं। तो ये देखा गया कि व्यवस्थाओं में किस तरह से लोगों को सहूलियत बढ़े। चिकित्सालय में पार्किंग से लेकर के ओपीडी में काफ़ी भीड़ है और भीड़ के लिए डॉक्टर साहब अपना काम पे कंसंट्रेट करें और उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है कि भीड़ का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग काउंटर बने हुए, उसके लिए भी कई बार इधर से उधर पेशेंट घूमते रहते हैं। हेल्प डेस्क जो है वो बना रखी है, पर उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ब्लड बैंक का अच्छा काम करते हैं, सीसीटी का अच्छा काम करते हैं और इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं तो सटनली जो व्यवस्था है उनमें शौचालय हैं काफ़ी, जिनको सुधारने के लिए किया जाएगा। हमारे पास भी फंडिंग अवेलेबल है, जो आप बताएंगे वैसे करेंगे। पर चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।